Dear students, welcome on RCI online Pathshala. Now we start by exam number 21. Prove that the vector area of quadrilateral ABCD is 1/2 AC cross BD, where AC and BD are diagonals. देखिए यहाँ पर आपकी बुक में रेक्टेंगल दिया गया है और कई बार यहाँ पर पैरेललोग्राम दिया जाता है. अब इसमें क्या है, एक प्लेन क्वाड्रिलेटरल है. तो मैं आपको बता दूं कि इसके सॉल्यूशन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, केवल और केवल दो जगह चेंज आएगा, वो मैं क्लियर कर दूं. देखो अगर आपको रेक्टेंगल दिया जाए तो रेक्टेंगल बना सकते हो, पैरेललोग्राम बना सकते हो. अब अगर एग्जाम में ये हिंदी मीडियम में दिया है क्वाड्रिलेटरल, अगर ये क्वाड्रिलेटरल दे दिया तो आप फिर गड़बड़ करोगे. तो मैं इसे क्वाड्रिलेटरल से सॉल्व करता हूं और आपको बता दूंगा. आपको देखो रेक्टेंगल आपको बनाना आता है, क्यों सेम बनाना है. देखो अगर अभी मैं बता दूंगा, चलो मैं थोड़ा सॉल्व करा देता हूं इसको, है ना. देखो ध्यान से, लेट ए बी सी डी बी ए क्वाड्रिलेटरल. उसके बाद देखो ध्यान से, ध्यान देना बिल्कुल. उसके बाद मैं इसको मिला देता हूं ए बी देखिए ए बी सी और डी. और देखो आपको क्या बोला है, इसमें ए सी एंड बी डी, ये ए को सी से मिला दो और बी को डी से मिला दो, कंप्लीट हो गया. तो देखो इसको मैं ए सी बोल दूं, इसको मैं बी डी बोल दूं, कंप्लीट. अब एक बात ध्यान देना, ये क्वाड्रिलेटरल है, मतलब इसकी कोई आपको पता नहीं कैसे डायरेक्शन क्या है. अगर यही डायग्राम आता एग्जाम में क्या जाए, रेक्टेंगल आ जाए, केवल आपको कुछ नहीं करना, ये रेक्टेंगल बना देना है, केवल ये ए बी सी डी, बाकी सारा सेम है भाई, बी डी है ये रहा, ए सी है ये रहा, कंप्लीट. उसके बाद सेकंड पे देखिए, अगर यहां पर ये पैरेललोग्राम होता तो क्या कर देते हैं हम, केवल ये सेम बना देते पैरेललोग्राम की, और ये तो हम सीख भी चुके हैं पैरेललोग्राम लॉ में. तो क्या है ए बी सी डी. तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि अगर एग्जाम में क्वाड्रिलेटरल आ जाता तो फिर आप इस सेम को नहीं बना पाते और आप इन दोनों को बना के आते किसी ना किसी को, तो ये क्वेश्चन गलत होने का चांस था. तो मैंने क्या किया, इसको क्वाड्रिलेटरल से कर दिया भाई, नीचे सारा सेम आएगा, केवल और केवल फर्क कहा है ये शेप का. अगर एग्जाम में रेक्टेंगल आता है तो ये बना देना, पैरेललोग्राम आता है ये बना देना, और क्वाड्रिलेटरल आता है तो ये बना देना. अभी तीनों में डिफरेंट क्या था, क्वाड्रिलेटरल, उसको मैंने बना दिया, कंप्लीट. क्योंकि जो एग्जाम में पूछेगा हमें उसका ही यूज करना है, आप अलग का यूज नहीं कर सकते. देखिए ध्यान देना, अभी इसमें और बताऊंगा मैं, एक परिवर्तन और आएगा, उस चेंज को भी अभी बता दूंगा. देखो वेक्टर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, वेक्टर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या होगा, वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल. देखो आप ए बी सी को ले लिए, अब बच क्या गया ए सी डी, ए सी डी. देखो आप इसको जब सोल्व करो बुक को मत देखना, जो मैं आपको पैटर्न करा रहा हूं उसको यूज लेना, क्योंकि यहां आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल इसी वे में है जो सिंपल वे में मैं जैसे पढ़ाता हूं. एबीसी को क्या करेंगे, 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है. उसके बाद देखो अगला क्या है, 1/2 और ए सी डी मतलब ए सी इंटू में ए डी, ये भी मैं आपको बता चुका. अब बच्चों ध्यान दो, आपको ए सी वेक्टर पहले चाहिए ना, तो इसमें क्या करेंगे, ए सी को आगे लेके आएंगे तभी तो हमारा काम बनेगा. 1/2 किस क्या किया, माइनस का, और इसको चेंज कर दो ए सी इंटू में ए बी प्लस 1/2 ए सी इंटू में ए डी, यहां तक आपने लिख लिया होगा. उसके बाद देखो ध्यान देना, मैंने इतना आपको हो गया होगा, तो मैं इसको कहां पे लिख लू, डायग्राम में हटा नहीं सकता, डायग्राम का यूज आएगा अभी. तो देखो ध्यान से,
ये माइनस है आगे, पीछे प्लस है, तो प्लस वाला मैं आगे ले लेता हूँ, तो 1 बाई टू ए सी इंटू ए डी और उसके बाद माइनस 1 बाई टू ए सी इंटू ए बी। तो देखिए आपको क्या कॉमन मिला यहाँ से, 1 बाई टू ए सी, क्रॉस कॉमन लो तो क्या बचेगा, ए डी माइनस का ए बी वेक्टर। अब ध्यान देना, ध्यान क्या देना कि आपके पास ए बी है तो ए बी के लिए ये बोलो, आपके पास ए डी है ए डी के लिए बोलो, तो क्या हो गया, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी बाई यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखो क्या आएगा, ध्यान देना है क्या है, ए बी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर इक्वल टू ए डी वेक्टर। तो बी डी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ए डी माइनस का ए बी वेक्टर। तो आप इसे यूं भी लिख सकते हो, ए डी माइनस ए बी इक्वल टू बी डी का वेक्टर। एक ही बात है ना, अरे भाई यू आपके पास 50-50 का अगर नोट है तो आप यू कर दो तो भी 50 के रहने वाले हैं, वही तो किया है मैंने। अब क्या करोगे, ये डायग्राम आप समझ गए होंगे, इसको आप हटा देता हूं, कोई काम नहीं है इसका। उसके बाद देखिए और इसके बाद क्या लिखोगे, वैल्यू ऑफ ए डी माइनस ए बी पुट इन फर्स्ट वी गेट 1/2 ए सी इंटू में बी डी। देखो ये आपने प्रूव कर दिया है, लेकिन मैं इसमें अभी और बता रहा हूं। देखो इस क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बहुत है, क्योंकि देखो यहां पर क्या बोला मैंने, वेक्टर एरिया। अगर एग्जामिनर क्या करेगा, केवल एरिया बोला, तो देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या होगा, 1/2, और इसको मैग्नीट्यूड में लेना पड़ेगा फिर बी डी, ये हेल्प प्रूफ। तो मेरी बात समझना पूरी बात, सबसे पहले बात आया कि आपके बुक में रेक्टेंगल दिया है, हो सकता है एग्जामिनर पैरेललोग्राम दे, लेकिन यहां पर क्या बताया मैंने, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की मैंने शेप बताई ऐसी होती है, आपका अगर एग्जाम में रेक्टेंगल आता है आप रेक्टेंगल बना लेंगे, आपको अगर पैरेललोग्राम मिलता है तो पैरेललोग्राम बना देंगे। उसके बाद सारा सॉल्यूशन सेम है, आपको अगर यहाँ पर वेक्टर एरिया बोलता है तो आपको कहां तक जाना है, केवल और केवल यहां तक जाना है, वेक्टर एरिया बोलता है तो केवल और केवल यहां तक जाना है। और अगर यहां पर ये वेक्टर नहीं लिखा है और क्या है, केवल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर ऐसा लिखा होता है तो आपको फिर यहां तक सॉल्व करना है। मैं मानता हूं आपको ठीक प्रकार से समझ में आया होगा, और ये इसी के साथ मेरी तरफ से आपका वेक्टर फिनिश हुआ। 13.4 और 13.5 ये हम जब ऑफलाइन क्लास से मिलेंगे तब करेंगे, अगली क्लास से आपको 3D के वीडियोस मिलना चालू हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही।